कोरोना वायरस छिपा हुआ बहरूपिया है। इसके नए नए स्ट्रेन लोगों को धराशायी कर रहे हैं, वो भी चुपचाप। वायरस शरीर में है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट भी अब 100% भरोसेमंद नहीं रहा। कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं, इसके लिए पहले एंटीजन टेस्ट करवाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति वायरस के संपर्क में आया है या नहीं, लेकिन इसके नतीजे पर निश्चित नहीं हो सकते, इसलिए इस पर भरोसा कम था। लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट को फाइनल नतीजा माना जा रहा था। हालांकि अब आरटीपीसीआर टेस्ट भी अंतिम कसौटी नहीं है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डीन और वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर रमनेश मूर्ति ने बताया कि रिपोर्ट का नेगेटिव आने की कई वजह हो सकती हैं। इसे पुख्ता करने के लिए सिटी स्कैन का सहारा लिया जा सकता है। इस वर्तमान जिसे हम द्वितीय लहर का नाम दे रहे हैं, उसमें ऐसे कई केस हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें आरटीपीसीआर तो नेगेटिव है लेकिन लक्षण पूरी तरह से कोविड के हैं। तो ये सैंपल के प्रकार, तरीके उसके लेने के, उसकी विस्कोसिटी और मरीज की प्रतिरोधी क्षमता और जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसके सेंसिटिविटी, इन सब चीज़ों पे निर्भर करती है। इसीलिए हमें गाइडिंग फोर्स के रूप में या हमारे इलाज के जो सिद्धांत होते हैं उसके रूप में हमें सीटी और क्लिनिकल सस्पिशन, जो लक्षण पर आधारित संदेह है, उस पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट के नतीजे 20% तक गलत साबित हो रहे हैं, यानी हर 5 में से एक व्यक्ति का टेस्ट रिजल्ट सही नहीं है। कई राज्यों में ऐसे मरीज मिल रहे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन टेस्ट बार बार नेगेटिव आ रहा है। ये कोरोना की दूसरी लहर का कहर है। सवाल ये है कि टेस्ट में वायरस पकड़ में क्यों नहीं आ रहा। चंडीगढ़ से पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर एसके जुंदल का मानना है कि नए स्ट्रेन की वजह से कोरोना के लक्षण देखे जा रहे हैं, लेकिन टेस्ट में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। फिलहाल आरटीपीसीआर टेस्ट ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। अब ये कहना मुश्किल है कि उसका टेस्ट के पॉजिटिव या नेगेटिव होने में कोई इफेक्ट है या नहीं। मेरे ख्याल में अभी तक तो कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है कि ये कहें कि वो नए, जो नया वायरस है वो टेस्ट में नहीं डिटेक्ट होता। वो टेस्टिंग रेट में मेरे ख्याल में कोई अभी फर्क नहीं है उसका। इसकी वजह से मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि बहुत देर से हो रही है, तब तक मामला गंभीर हो जाता है और मरीज अस्पताल तक पहुंच जाता है। मरने वालों की संख्या बढ़ने का कारण भी यही है। दूसरी मुसीबत ये है कि आरटीपीसीआर टेस्ट के नतीजे आने में देरी हो रही है, रिपोर्ट आने में कई दिन लग रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि चिंता इस बात की है कि लोग पॉजिटिव रहते हैं लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आती है, इसके बाद वो बाहर घूमते हैं, इससे संक्रमण फैलने का डर होता है। लेकिन अगर वायरस उस सिक्वेंसिंग को बदल लेता है म्यूटेशंस के द्वारा और स्पाइक प्रोटीन में अंतर आती है या एनवेलप प्रोटीन में अंतर आती है जिसके आधार पर इसकी टेस्टिंग हो रही है, एनवेलप प्रोटीन को मल्टीप्लाई करके देखा जा रहा है पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, कि वो किसका मिलता जुलता प्रारूप है। लेकिन अगर उस चीजों में अगर म्यूटेशंस के द्वारा चेंजेस आ जाएंगे तो ये प्राइमर जो पहले उस वैरायटी के लिए डेवलप किए हुए थे, उस स्ट्रेन के लिए डेवलप किए थे, उसको मिस कर जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं रह रही हैं। इसको जानने के लिए पूरे जीनोमिक स्ट्रक्चर को जानना जरूरी होगा कि कहीं म्यूटेशंस स्पाइक प्रोटीन पर है, एनवेलप प्रोटीन पर है, एन प्रोटीन पर है, कहां पर है, और उसके आधार पर हो सकता है टेस्टिंग किट में बदलाव करने की आवश्यकता हो। सरकार ने कई मीडिया रिपोर्ट्स में छिपी म्यूटेंट्स की थ्योरी को खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा है कि अब तक दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई डेटा या अध्ययन नहीं है जिसमें आरटीपीसीआर टेस्ट को भी चकमा देकर कोई वेरिएंट जांच में पकड़ा ना गया हो। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि ये सही है कि कोरोना केसेस 2020 की तुलना में काफी ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि 2020 के मुकाबले हमारे पास अब अनुभव भी ज्यादा है। हम पहले भी कठिन दौर से निकले हैं और अब भी निश्चित रूप से निकलेंगे। 2020 के मुकाबले अगर मैं ये कहूं कि 2021 में आपके पास कई 100 गुना ज्यादा अनुभव है और बीमारी की गहराई को, बीमारी की गंभीरता को हम सब और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और जब बहुत ज्यादा तकलीफ वाली सिचुएशंस 2020 में भी आई, बहुत सारा उस समय मान लीजिए डेस्परेट सिचुएशंस भी आई, हमारे अपने लोग भी बीमार हो रहे थे, आज भी होते हैं,
और बहुत सारे उस कठिन दौर में भी हम सब लोग उस दौर से बाहर निकले। अब आप समझ गए होंगे कि ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, लेकिन अब आपको इसका समाधान बताते हैं। अगर आपको कोरोना है और रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ऐसी स्थिति में आप दो चीजें कर सकते हैं। पहला, आप चेस्ट का सीटी स्कैन करवाकर इस वायरस का पता लगा सकते हैं, और दूसरा, आप BAL नाम के एक दूसरे टेस्ट से भी इसका पता लगा सकते हैं। इस टेस्ट में एक स्कूप मुंह या नाक की नली से फेफड़ों में पहुंचाया जाता है और फिर नमूने लेकर उनकी जांच की जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि इस प्रक्रिया से नए वेरिएंट की पहचान हो सकती है। ETV भारत, मध्य प्रदेश।